दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, जो कि इसी महीने की 21 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। और भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए दबंग खान की आने वाली इस फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ हम लोगों के सामने लगातार आ रही है। तो भाई आज इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आई है, जिसको सुनने के बाद आप भी अब ये बात कहोगे कि भाई अब तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए सेंसर बोर्ड की तरफ से। तो भाई अब इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो भैया क्या है ये नई जानकारी, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भैया दबंग खान की आने वाली ये फिल्म इसी महीने की 21 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ये कहते हुए कि भाई आप इस फिल्म को निर्विरोध रूप से सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि भैया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जिसके माध्यम से इस फिल्म को लेकर ये बात क्लियर हो गई है कि भाई इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, चाहे वो टीनेजर हो चाहे वो एडल्ट हो। और उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का टोटल लेंथ कितना है। तो भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है, टोटल लेंथ जो है वो है 145 मिनट, यानी कि आवर्स में बात करें तो भैया 2 आवर 25 मिनट इस फिल्म का टोटल लेंथ है। यानी कि भैया लगभग 2.5 घंटे के आसपास के लेंथ को लेते हुए ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। यानी कि इस फिल्म का जो लेंथ है वो इस फिल्म के ओरिजिनल फिल्म से थोड़ा सा कम है मेरे भाई। यानी कि भैया किसी का भाई किसी की जान को लेकर ये बात तो आप लोग जानते हो कि ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपर डुपर हिट फिल्म वल्ली मई की ऑफिशियल रिमेक कहें या फिर भैया ऑफिशियल एडॉप्टेशन है। तो भैया वल्ली मई का जो ड्यूरेशन था वो था 155 मिनट का और भाई इस फिल्म का जो ड्यूरेशन है वो है 145 मिनट। यानी कि भैया ओरिजिनल फिल्म से इस फिल्म का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 10 मिनट कम है मेरे भाई। यानी भैया किसी के भाई किसी की जान को लेकर अब ये बात आज से साफ हो गई है कि भाई सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जो है वो बहुत जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। वैसे इसको लेकर मैंने ये जानकारी आप लोग को ऑलरेडी दी है कि भैया इस फिल्म का एडवांस बुकिंग जो है वो इस महीने की 17 तारीख से चालू कर दी जाएगी हर एक सिनेमा घरों में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया ग्रीन सिग्नल तो इस फिल्म को मिल चुका है सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड के द्वारा, तो भैया आप इस फिल्म के टिकट को बुक कराने के लिए अपने जेब में पैसे बचा कर रखे हो कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।